नमस्ते, मैं प्रतिभा सेठी, आपकी टैरेट कार्ड रीडर एंड काउंसलर, एस्ट्रो पॉइंट पश्चिम या न्यू दिल्ली से। आज हम बात करेंगे डॉक्टर रमन सिंह की कुंडली के बारे में, जो कि छत्तीसगढ़ के नेता हैं। तो इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, आइए। समेत आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राम राम, सत श्री अकाल। मैं सुमित सेठी, आपका एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड पश्चिम दिल्ली से। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हम आज की कुंडली अपनी। डॉक्टर रमन सिंह जो कि छत्तीसगढ़ के नेता हैं, इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, जो कि हम हर कुंडली में यही लेते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस असेंबली पोल्स में कैसी रहेगी, जो कि नवंबर में है, और लोकसभा चुनाव में इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, जो कि 2024 में है। और आज है 20th of October फ्राइडे, और ये वीडियो अपलोड होगी ठीक 4 दिन बाद, 25th of October वेडनेसडे को वीडियो अपलोड होगी। और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 15 अक्टूबर 1952, 12 PM हमने खुद से लिया, क्योंकि बर्थ टाइम अवेलेबल नहीं था, और बर्थ प्लेस है कबीरधाम। तो ये हमने इंटरनेट से लिए डिटेल्स, और ये हमारी अपनी कैलकुलेशन है, आप इसको फॉलो करें या ना करें आपकी अपनी मर्जी है। और ये इनकी कुंडली है, और ये इनके प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन है। जैसे कि हम सब जानते हैं सक्सेसफुल पॉलिटिशियन है, तो जो लोग पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं तो इनसे अपने राजयोग मैच कर सकते हैं। ये पॉइंट्स पर दोस्तों, आपको मालूम है हमारी सीरीज चल रही है, अभी लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी, आपने देखी होगी, सैटरडे को आई थी दोस्तों, 21 तारीख के दिन तो आई थी, जो अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, करंट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोस्तों, उनकी वीडियो आई थी। उसमें दोस्तों कहा था कि उनका जो हॉरोस्कोप काफी ज्यादा पावरफुल है, उनका हॉरोस्कोप मुझे लगता है वो रिपीट करेंगे, माने कि कांग्रेस जीतेगी। बट दोस्तों, जस्ट कंपेयर करने के लिए और डबल श्योर होने के लिए हम इनकी कुंडली भी डालते हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर रमन सिंह भी जो 3 टर्म्स के दोस्तों मुख्यमंत्री रहे थे, यानी कि 15 साल मुख्यमंत्री रहे थे, 2018 से लेकर 2018 तक, यानी कि 2018 से 2018 तक मुख्यमंत्री रहे थे। तो अब दोस्तों इनकी कुंडली में हमारे सामने आ जाएगी, और इनका भी हम कंपैरिजन के बाद दोस्तों हमारी छत्तीसगढ़ की सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगी। जो हम बहुत सारे स्टेट कवर अप कर चुके हैं, इसके बाद दोस्तों छत्तीसगढ़ को छोड़ के किसी और स्टेट में हम जंप करेंगे। आज दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ को एंडिंग देते हैं इनके कोटे से कंपेयर करके, क्योंकि सीएम कौन बनेगा 2024 में दोस्तों, क्या उम्मीद रखते हैं कांग्रेस की। चलिए ये पॉइंट्स मैं पढ़ देती हूँ। लगन है इनका, हमारी जो प्रेडिक्शंस होती है फर्स्ट हाउस से होती है, लग्ना से होती है। लग्ना मींस लगन चार्ट में आप अपना फर्स्ट हाउस में देखिए कौन सा नंबर लिखा हुआ है, तो आप इनसे अपने राजयोग मैच कर सकते हैं। तो पॉइंट्स में पढ़ देती हूँ। उनका लगन है धनु सेजिटेरियस, लगन मींस फर्स्ट हाउस, 9 नंबर लिखा हुआ है धनु सेजिटेरियस, जुपिटर गुरु की राशि है ये। और चंद्र लगन है इनका सिंह, यहाँ चंद्रमा लिखा हुआ है, 5 नंबर है, 5 नंबर राशि है इनकी है लियो सिंह, चंद्र राशि इनकी मून साइन है लियो सिंह। और सूर्य लगन है इनका कन्या वर्गो, ये सूर्य लिखा हुआ है 6 नंबर, सूर्य लगन मतलब सन साइन है इनका वर्गो कन्या, जो कि बुध की राशि होती है मरकरी की। लग्नेश गुरु आस्पेक्ट लगन, 9th का सूर्य 10th में है, ये चंद्रमा ये सूर्य की राशि है, 10th में है सूर्य, और 10th मरकरी इन 11th, ये बुध की राशि है, 6 नंबर वर्गो कन्या, और ये 11th में है बुध, 11th इन 11th, शुक्र है यहाँ पे और राशि भी शुक्र की है, तो 11th इन 11th, ये तो बहुत बड़ा राज्य हो गया, सुमित एक्सप्लेन करेंगे। राहु दशा क्रिएट सूर्य ग्रहण, राहु की जो दशा है वो सूर्य ग्रहण क्रिएट कर रही है दोस्तों। मेन पॉइंट हम लोग डिस्कस करके चलते हैं, देखते बाकी में अगर 3 साल सीएम 3 बार सीएम रहे दोस्तों, यानी कि 15 साल अगर सीएम रहे तो कुछ ना कुछ दोस्तों ताकत होगी। हालांकि दोस्तों जो बारे वाली चुनाव है छत्तीसगढ़ के, ऐसा लगता है कि इनको कहीं ना कहीं दोस्तों एज अ शोकेस किया जा रहा है, एज अ सीएम फेस, अनऑफिशियली दोस्तों चाहे सीएम फेस हो, लेकिन ऑफिशियली दोस्तों इनको अभी तक कुछ ऐसा डिस्क्लोज नहीं किया गया। हालांकि दोस्तों जब अपने फॉर्म भरने गए थे, अपनी सीट के लिए फॉर्म भरने गए थे, पर्चा भरने गए थे, तो दोस्तों अब जो वो है अमित शाह जी दोस्तों, उन्होंने कंपनी का था साथ गए थे इनके, तो उनके पावर तो है दोस्तों इनके पास दोस्तों। अभी क्योंकि प्रमुख चेहरा छत्तीसगढ़ में बीजेपी का दोस्तों यही है, और शायद दोस्तों सीएम के लिए भी प्रोजेक्ट किए जा सके, तो दोस्तों थोड़ा सा इनके बारे में समझ के चलते हैं कि क्या क्लैरिटी हमें और ज्यादा मिल जाएगी कि बीजेपी रेस में है भी या नहीं है। कांग्रेस का क्लीन स्वीप होने वाला है, कांग्रेस के मन सही दोस्तों जीत होने वाली है दोस्तों। ये सब बता दिया प्रतिभा ने आपको दोस्तों। लग्न जो है धनु लगन दोस्तों नंबर 9 दोस्तों, और आपको मालूम है कि धनु लगन के लिए हमने हर वीडियो में दोस्तों बात करी कि आने वाले 30 अक्टूबर को, तो 25th को आपके सामने दोस्तों वीडियो होगी, 30th को यानी कि 5 दिन के बाद दोस्तों गुरु चंडालय खत्म हो जाएगा, तो धनु लगन या धनु राशि वाले दोस्तों बहुत बड़ी खबर आ जाएगी, पॉजिटिविटी के दोस्तों स्वागत आ जाएगी, बिकॉज गुरु जो कि दोस्तों इनकी कुंडली में जो इनका मेन ब्रांड है वो राहु से दूर हो जाएगा, तो थोड़ी सी पॉजिटिविटी आएगी, तो हो सकता है दोस्तों इनका चेहरा चमके वहां से, तो सर पब्लिक लाइफ में ज्यादा आ जाएगी वहां से। तो चंद्र लगन दोस्तों सिंह लगन इनका, अगर आप देखेंगे सूर्य दोस्तों कहाँ, सॉरी चंद्रमा दोस्तों नंबर 5 के अंदर है। और दोस्तों आज की बात हम लोग करें, आपने फिर से हमारी दोस्तों वीडियो देखी होंगी कि 17 नवंबर तक सूर्य अभी दोस्तों नीच का चल रहा है, तुला राशि के अंदर है, साथ में राहु भी सामने, दोस्तों अभी नेगेटिविटी है इनके साथ, तो दोस्तों हालांकि इन्होंने सीट भरी है, जो अपना पर्चा भरा है,
सूर्य लगन सूर्य नीच के टाइम पे पर्चा भरे दोस्तों कितना इफेक्ट डालेगा दोस्तों बाद में देखते हैं, बट अभी के लिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि इतना नेगेटिव टाइम चल रहा है, इनका भी पॉजिटिविटी नहीं है दोस्तों। ये तो सूर्य लगन हो गया इनका कन्या जो कि जिसके दोस्तों लॉर्ड बनते हैं बुध, जो तो बुध भी आज की स्थिति में जब इन्होंने कुंडली जब अपनी वो भरी है दोस्तों पर्चा भरा पर्चा दाखिल किया दोस्तों वो भी कहीं ना कहीं राहु के साथ ही है अभी सात नंबर के अंदर, तो भी राहु के बैक में नीच के सूर्य के साथ है। तो दोस्तों अभी जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उनका पर्चा भरने का जो टाइम है दोस्तों थोड़ी सी नेगेटिविटी लेकर आता है। जो तो आप देखेंगे जुपिटर जो लगन का लॉर्ड बनता है दोस्तों नंबर फाइव में दोस्तों बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन की फर्स्ट इन फिफ्थ दोस्तों ये आपके लक को प्रॉस्पेरिटी पे लेके आता है, आपके पब्लिक फॉलोइंग को दोस्तों यहाँ पे अगर देखें गुरु जो होगा वो जनता को भी डिनोट करता है दोस्तों फोर्थ हाउस जनता, तो दोस्तों जनता का लॉर्ड फिफ्थ पे और दोस्तों यही गुरु वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन अपने हाउस को देख के दोस्तों नंबर नौ को देख के अपनी राशि को भी देख रहा है अपने हाउस को भी देख रहा है दोस्तों, यानी कि लग्नेश गुरु ने जब दोस्तों लग्न अपने हाउस को देखा तो लक को प्रॉस्पेरिटी मिला दिया, इनके नॉलेज को प्रॉस्पेरिटी मिला दिया दोस्तों जनता के बीच में कहने के इनको पॉपुलर कर दिया। तो अगर आपकी कुंडली के अंदर भी फर्स्ट लॉर्ड फिफ्थ में है या फर्स्ट लॉर्ड दोस्तों नाइन्थ में तो अपना ही साइन को देखता है दोस्तों, तो इससे बड़ा राजयोग होता नहीं है, तो ऐसे में सक्सेस आपके इंश्योर है, सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी डिपेंडिंग ऑन द दशा। तो दो तीन राज्यों की हम और बात करते हैं फिर हम लोग दशाओं पे आएंगे। देखो तो नाइन किसी भी कुंडली में दोस्तों नाइन्थ हाउस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बिकॉज नाइन्थ भाग्य का होता है दोस्तों। तो इस कुंडली में धनु लग्न में दोस्तों मैं हमेशा बताता हूँ कि सूर्य बनता है नाइन्थ का लॉर्ड, यानी कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेट दोस्तों इस कुंडली देखें नाइन्थ एंड टेंथ दोस्तों भाग्य का जो लॉर्ड है राशि का भी लॉर्ड है भाग्य का भी लॉर्ड है दोस्तों सूर्य दोस्तों प्रोफेशन यानी कर्म स्थान के अंदर आ गया और दोस्तों यही सूर्य जनता वाले घर को देखकर जनता में इनकी छवि को बहुत ज्यादा कहते हैं दोस्तों काइंड ऑफ क्लीन छवि बना के चल रहे हैं। दोस्तों सूर्य क्लीन प्लैनेट है पूरे ब्राइट प्लैनेट है उसकी रोशनी दोस्तों हर तरफ फैलती है तो वही दोस्तों इनकी रोशनी फैली और क्योंकि तो भाग्य को भी साथ में लेकर आया इनके दोस्तों कहीं ना कहीं आपके नेम एंड फेम को भी साथ में लेकर आया दोस्तों सूर्य नेम एंड फेम भी होता है इसीलिए ये जो फिंगर दोस्तों सूर्य की फिंगर होती है थर्ड फिंगर इसके नीचे की लाइन को फेम के फिंगर कहते हैं नेम के फिंगर कही जाती है सन लाइन कहा जाता है दोस्तों उसको। तो दोस्तों नाइन्थ एंड टेंथ बहुत बड़ा योग और दोस्तों टेंथ जो कि कर्म स्थान का स्वामी दोस्तों बुध वो आगे दोस्तों ग्यारह यानी कि गेन वाले होंगे दोस्तों भाग्य से कर्म स्थान बदला और कर्म स्थान से दोस्तों गेन हुए और गेन का लॉर्ड शुक्र भी गेन था उसके अंदर है दोस्तों नाइन्थ एंड टेंथ टेंथ एंड इलेवंथ और इलेवंथ एंड इलेवंथ दोस्तों मतलब ये जब आपस में चुनाव कनेक्ट करेंगे दोस्तों आपने दोस्तों हमने कई कुंडलियां देख ली दोस्तों कई सैकड़ों कुंडलियां देख लेंगी जब ये तीनों हाउसेज आपस में कनेक्ट करते हैं दोस्तों नाइन्थ एंड टेंथ टेंथ एंड इलेवंथ इलेवंथ एंड इलेवंथ इलेवंथ एंड नाइन्थ जब जब तीनों आपस में दोस्तों कनेक्ट करेंगे दोस्तों चीज़ों को बहुत ज्यादा पावर मिल जाती है। और दोस्तों एड टू दैट दोस्तों यही जुपिटर नाइन्थ को भी देखेगा फिफ्थ एस्पेक्ट यानी कि सेल्फ और भाग्य को बढ़ाता है दोस्तों यही जुपिटर इलेवंथ को भी देखता है। तो देखें दोस्तों किस तरह सेल्फ का लॉर्ड टेंथ का लॉर्ड नाइन्थ का लॉर्ड इलेवंथ गेंथ का लॉर्ड दोस्तों जब जब जनता वाला हाउस खुद के वाला हाउस किस्मत वाला हाउस दोस्तों कर्म स्थान ये आपस में कनेक्ट करते चले जाएंगे दोस्तों तो आपके भाग्य में वृद्धि होती है आपके कर्म में वृद्धि होती है आपके कहीं ना कहीं पॉपुलरिटी में। तो ये सभी राज्यों का एक एक चीज और दोस्तों मैं बता दूं देखें दोस्तों फर्स्ट एंड फिफ्थ यानी कि गुरु आगे दोस्तों फिफ्थ हाउस में दोस्तों फिफ्थ का लॉर्ड क्या हो गया मंगल दोस्तों आगे सेल्फ हाउस में दोस्तों केंद्र त्रिकोण का आपस में इंटरचेंज दोस्तों महाराजक बन जाते हैं दोस्तों आपने देखा कि किस तरह 15 साल चीफ मिनिस्टर रहे तो दोस्तों इसमें इन राज्यों का बहुत बड़ा असर और जब हम दशा देखेंगे दोस्तों तो चीज आपको क्लैरिटी मिल जाएगी किस तरह की दशा के अंदर दोस्तों राज्य कहीं ना कहीं दोस्तों कैपिटलाइज होते हैं कहीं ना कहीं दोस्तों बड़े होकर निकलते हैं एक्टिवेट होता है। दोस्तों आपकी कुंडली में अगर राजयोग है और आपकी शिकायत दोस्तों हमेशा रहती है इतने राजयोग के बाद हमें फल नहीं मिल रहा दोस्तों दशा की वेट करिए जो जो क्लाइंट दोस्तों राजयोग में पार्टिसिपेट कर जब उनकी दशा आएगी तो दोस्तों राजयोग एक्टिवेट होंगे आपको फायदा मिल जाएगा बहुत। चलिए ये पॉइंट्स हमने पढ़ लिए हैं तो डिस्कस कर लिए हैं तो मैं हम आते हैं सीधा दशाओं पे और दशाओं पे आने से पहले जिंदगी में होना है सफल तो जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट्स उम्मीद सेटी से, मुश्किलों को दूर करना अपनी लाइफ से तो भी जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट्स उम्मीद सेटी से, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप चाहें तो मैं कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, पर्सनल वीडियो के लिए, ईयरली रिपोर्ट के लिए कि आने वाला आपका टाइम कैसा है। ये तो है जनरल, बाकी आपकी कुंडली और दशा मैटर करती है कि आपका टाइम कैसा है। जैसे हम इनकी कुंडली बना रहे हैं पॉलिटिशियन की तो नेक्स्ट कुंडली आप किस पॉलिटिशियन या सेलिब्रिटी में देखना चाहते हैं कमेंट या मैसेज करके बताइए। और आप अगर अपनी पर्सनल कुंडली भी ऐसा चाहते हैं तो भी हम आपको व्हाट्सएप या मेल कर सकते हैं, अगर आप अलाउ करोगे तो ही हम यूट्यूब पर डालेंगे और जो क्वेश्चन आप मना करेंगे हम नहीं डालेंगे। और पहले कुंडली एक्सप्लेन करते हैं आपको, बहुत लंबा प्रोसीजर है। अगर आप चाहें तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया और जो नए लोग जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं और हमारी वीडियोस अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए जानने के लिए ये दो क्वेश्चन जो हम हर बार लेते हैं सब आपके जो होते हैं ड्यूरिंग असेंबली पोल्स में इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी जो कि नवंबर में है और मार्च अप्रैल में लोकसभा के चुनाव है इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। तो ये पहले इनकी दशा ले लेते हैं, जुपिटर की इनकी दशा जो कि फिफ्थ हाउस में है और फर्स्ट एंड फोर्थ का लॉर्ड है।
मतलब सेल्फ का और जनता का लॉर्ड है, फैन फॉलोइंग का लॉर्ड है, जो कि 27 मार्च 2008 को स्टार्ट हुई थी और 27 मार्च 2024 तक चलेगी। नेक्स्ट ईयर मतलब इनकी दशा खत्म है, सिर्फ 6 महीने की रहेगी। तो ये दशा तो इनके लिए बहुत फ्रूटफुल रही होगी और 16 साल की महादशा है, तो ये हम सबको ही दिख रहा है ये दशा इनकी फ्रूटफुल रही होगी। कितनी रहेगी वो सुमित एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए 8 मार्च 2008 में दशा शुरू हुई थी और दोस्तों नवंबर या अक्टूबर 2008 के अंदर दोस्तों मतलब करीब 5 महीने के बाद ये सीएम बन गए थे। दोस्तों मैंने बताया कि 8 से लेकर 23 तक सीएम रहे, सॉरी 3 से लेकर 18 तक दोस्तों सीएम रहे थे। तो इस दशा में अंदर दोस्तों कितना इनको पॉपुलैरिटी मिली, इनके लास्ट के जो 2 टर्म थे दोस्तों इसी दशा के अंदर आए होंगे। तो ये दशा दोस्तों बहुत पॉपुलर, पहला दोस्तों टर्म रहा होगा 3 से लेकर 8 तक, जब तक फिर दशा शुरू होगी दोस्तों एंटी इनकम में थे दोस्तों नहीं दशा ने कोर्ट स्ट्रेंथन किया, तो थर्ड टाइम की सीएम बनकर इसी दशा के अंदर। तो मैं वही बता रहा हूँ कि जब आपका लगन का लॉर्ड इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, गुरु जैसा प्लैनेट अपने हाउस को देखेगा दोस्तों, फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में इंटरेस्ट चेंज होगा। तो यही जुपिटर चंद्रमा को देखिए गज केसी की तरह दोस्तों एक राज्य बना के चलता है। यही जुपिटर होता है जब आपके 10th 11th हाउस को देखेगा जनता का लॉर्ड होने के बाद, तो जनता का दोस्तों भर प्यार बहुत ज्यादा प्यार मिल जाता है दोस्तों। तो ये जो दोस्तों टाइम था इनके कुंडली के अंदर ये बहुत ज्यादा शानदार टाइम, इनको डिप क्यों पड़ा दोस्तों वो अगली दशा इनकी समझा देगी। तो ये दशा दोस्तों समझ गए जब आपकी लगन की दशा आएगी, फर्स्ट हाउस की दशा आएगी, हल्की सी भी स्ट्रांग होगी तो आपकी लाइफ को चमत्कार करके चलेगी आपकी लाइफ, जो कि आप हमेशा बोलते हैं फर्स्ट हाउस की दशा अगर जीते जी आ जाए तो बल्ले बल्ले हो जाते, चमत्कार कर देती है बिल्कुल। तब हम इनकी इस दशा को छोटा कर लेते हैं, अंतर दशा पे आ जाते हैं। जुपिटर जुपिटर गुरु में गुरु 27 मार्च 2008 को स्टार्ट हुई और 16 मई 2010 तक चली, ऑलमोस्ट दो साल दो महीने की दशा। तो ये दशा इनके लिए कैसी रही, 26 महीने की दशा। ये मैंने यहाँ पे सीखा था सेकंड टाइम सीएम बने दोस्तों काउंटिंग। तो मैंने वो भी बताया कि जुपिटर था यहाँ पे दोस्तों, जुपिटर में जुपिटर दोस्तों डबल डबल जुपिटर डबल डबल तरीके से काम करते हुए दोस्तों। ये मेरा लिखने का मतलब ये था कि आप इसको समझ के चलिए कि महादशा भी उसी पैरेट की, अंतरदशा भी उसी पैरेट की, यानी कि डबल डबल दोस्तों एस्पेक्ट होगा। इसलिए मेरा मेंटेन करने का तरीका ये था, अपनी कुंडली भी दोस्तों आप मिलवा के चल सकते हैं। डबल नेगेटिव दशा तो डबल नुकसान होगा, डबल पॉजिटिव दशा तो डबल फायदा होगा। चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपका इंतजार अब खत्म हो गया। हम क्वेश्चन ले रहे हैं अपना आपका कि असेंबली पोल में इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। तो हम इस दशा को, ये महादशा को छोटा कर लेते हैं, इसके बाद वाली दशा ले लेते हैं जुपिटर राहु। जुपिटर फिफ्थ हाउस में, राहु सेकंड हाउस में, फिफ्थ एंड सेकंड की दशा जो कि 2nd November 2021 को स्टार्ट हुई, लास्ट टू लास्ट ईयर, एंड 27th मार्च 2024 तक चलेगी। तो ये दशा इनके लिए कैसी रहेगी, 2.25 साल की महादशा और इसी बीच हमारे असेंबली पोल है, तो ये भी पढ़ दो। हाँ, साथ को भी कनेक्ट कर दो। ठीक है, अब इसके बाद की दशा हम पढ़ लेते हैं, ये भी अंतर दशा ही है, जुपिटर राहु सन और उसके बाद जुपिटर राहु और मून। जुपिटर वही फिफ्थ में है, राहु सेकंड में है, सूर्य हमारा 10th में है और चंद्रमा हमारा नाइन्थ में। तो ये दशा कैसी रहेगी, 10th और 9th की भी अंतर दशा 11th अक्टूबर 23 को स्टार्ट हुई है इसी महीने और 5th फरवरी 24 तक चलेगी, ऑलमोस्ट 4 महीने की दशा, 120 दिन की दशा, 110 दिन की दशा कैसी रहेगी। अब इस दशा को और छोटा कर लेते हैं क्योंकि इसी बीच हमारे लोकसभा के चुनाव है। पहले ये कर लेते हैं, ठीक है, असेंबली कर लेते हैं दोस्तों। देखिए जुपिटर महादशा, अच्छा वो महादशा है शनि की, जुपिटर की महादशा दोस्तों राहु की अंतरदशा। तो अब आप ये देख के चलिए कि राहु जब होगा दोस्तों ग्रहण लगा के चलता है, राहु नेगेटिव होता है और दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया कि सेकंड हाउस में जब राहु आ जाता है दोस्तों सेकंड होता है मार्च के, और सेकंड में दोस्तों राहु आके भयानक बन जाता है और दोस्तों ऊपर से आकर शनि की राशि के अंदर, दोस्तों शनि की राशि वैसे भी नेगेटिव हो जाती है, शनि की राशि में दोस्तों राहु के नेगेटिविटी पर बहुत ज्यादा बल मिल जाता है। और दोस्तों देखिए राहु किसकी राशि में, शनि, दोस्तों शनि कहाँ पे, प्रोफेशन हाउस के अंदर, माने कि प्रोफेशनली डेंट डाल के चलेगा दोस्तों। शनि किसके साथ है, सूर्य के साथ, जो कि आपके फेम एंड नेम के लिए होता है, यानी कि डेंट डाल के चलेगा नेम एंड फेम में दोस्तों, कहीं के एलिगेशन आपके लगने शुरू होते हैं, नेगेटिविटी बढ़ जाती है दोस्तों। आज की अगर हम लोग बात करके देखें दोस्तों, इनका जो ये टाइम चला है शनि राहु जुपिटर राहु दोस्तों नेगेटिविटी से भरा हुआ। और दोस्तों दूसरी बात देखिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दोस्तों राहु का 9th आस्पेक्ट जा रहा है दोस्तों सूर्य के ऊपर, क्योंकि दोस्तों सूर्य ग्रहण बना के चलेगा, यानी कि नेगेटिविटी को बढ़ा के चलेगा सूर्य, दोस्तों 9th का लॉर्ड, यानी कि भाग्य के अंदर ग्रहण लगा के चलेगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये वाली जो चीज है दोस्तों, ये जो दशा है दोस्तों नेगेटिव दशा रहने वाली है, तो बहुत पॉजिटिव दशा नहीं है। इसको अगर हम लोग और छोटा करें दोस्तों, जुपिटर में राहु में सन और दोस्तों सन में मून, करीब दोस्तों 5 फरवरी 2024 तक चलेगी, जब दोस्तों इलेक्शन चल रहे होंगे, समय असेंबली पोल चल रहे होंगे दोस्तों। दोस्तों सन सूर्य पे दोस्तों वैसे ग्रहण लगा पड़े और दोस्तों चंद्रमा अगर आप देखेंगे यहाँ पे 8th हाउस पर, जो कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं होता। तो दोस्तों कुल मिला के जुपिटर राहु सन की बात करें, जुपिटर राहु मून की बात करें, दोस्तों नेगेटिविटी से भरे हुए टाइम। दोस्तों आज की स्थिति क्या है कि सूर्य ग्रहण भी चल रहा है, हालांकि 17 नवंबर को खत्म हो जाएगा, दोस्तों जुपिटर रेट्रोग्रेड चल रहा है, हालांकि 31 दिसंबर को खत्म होगा।
दोस्तों ये दशा इनको मुझे नहीं लगता दोस्तों जीतने देगी ये जो असेंबली पोल के अंदर, मुझे नहीं लगता दोस्तों अगर इनके अंडर चुनाव लड़ा जाएगा तो ये सीएम बन सकते हैं, ये बीजेपी जीतेगी दोस्तों। अगर बीजेपी को कुछ करना है दोस्तों इनको फेस ना बना के करना है, हालांकि दोस्तों बीजेपी ने फेस इनको नहीं अभी अपना वो डिस्क्लोज करा, बट दोस्तों इनके अंडर इनके सीएम बनने के हर वक्त देखा दोस्तों चाहे चुनाव के बाद भी दोस्तों चांसेस मुझे कम लगता है कि सीएम बनेंगे दोबारा से। यानी कि दोस्तों जो हमने बनाई थी भूपेश बघेल की वीडियो बनाई थी वो श्योर शॉट बता दोस्तों, उनकी अगर हम लोग बात कर देखें मुझे दोस्तों उनका पलड़ा बहुत ज्यादा भारी लगता है। तो मुझे अब दोस्तों थोड़ा कंफर्म होना शुरू हो चुका है कि कांग्रेस की वापसी यहाँ पे लगभग कंफर्म नजर आ रही है मुझे छत्तीसगढ़ के अंदर। तो दोस्तों भूपेश बघेल यहाँ पे रिपीट करता हूँ नजर आ रहे हैं इनके अंडर, या ये खुद सीएम बन जाए मुझे नहीं लगता दोस्तों बीजेपी वापस से अपना कुछ काम करेगी। मतलब आपको नहीं लगता है दोबारा सीएम बनेंगे रमन सिंह यहाँ पे असेंबली पोल्स में? चलिए फ्रेंड्स सुमित के वर्ड्स मार्क कर लीजिए, ये कह रहे हैं कि रमन डॉक्टर रमन सिंह के चांसेस बहुत ही कम है और भूपेश बघेल जी के चांसेस ज्यादा बन ही जाएंगे। चलिए तो इनके वर्ड्स मार्क कर लीजिए, अगर फिर भी किसी के क्वेश्चन रह जाए तो कमेंट या मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए। बाकी का दूसरा क्वेश्चन हम ले रहे हैं आपका कि लोकसभा चुनाव में इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। तो लोकसभा चुनाव की जो हमारा ये है, ये इस टाइम शनि की दशा होगी, मार्च या अप्रैल में है, तो ये जुपिटर की दशा 5th February 2024 को खत्म हो जाएगी और शनि की दशा स्टार्ट होगी हमारी 27 मार्च 2024 को और 28 मार्च 2043 तक चलेगी, मतलब 2043 तक 19 साल की महादशा। और शनि इनका है 10th हाउस में और सेकेंड एंड थर्ड का लॉर्ड है, तो ये दशा इनके लिए कैसी रहेगी, इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, जो जनता इनसे एक्सपेक्ट करती है, तो ये क्या अपनी एक्सपेक्टेशंस पे उनकी उतरेंगे खरे? और 19 साल की महादशा, तो क्या ये दशा आते ही इतनी फ्रूटफुल रहेगी, रिजल्ट सही रहेगा? दोस्तों आप देखिए शनि की दशा, मैंने आपको बताया कि शनि, क्योंकि आप बोलते हैं दशा असर करने में भी टाइम दिखाती है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि शनि की राशि में राहु के प्लेसमेंट तो अच्छी नहीं होती, शनि दोस्तों सूर्य के साथ है तो नेगेटिविटी ज्यादा होती है दोस्तों, तो दोस्तों शनि पे कोई भी पॉजिटिविटी नहीं है, ना तो जुपिटर का एस्पेक्ट, शुक्र का एस्पेक्ट, चंद्रमा का एस्पेक्ट, तो दोस्तों शनि करीब पर अकेला है यहाँ पे सूर्य के साथ आकर और ज्यादा नेगेटिव। दोस्तों फिर अब अगर दोस्तों इनके सपोज हाइपोथेटिकली दोस्तों इनके नाम पे अगर लोकसभा चुनाव लड़ा जाता तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाता है वहां पे, पर दोस्तों क्योंकि लोकसभा में मोदी जी का नाम चलने वाला है, मोदी जी के नाम पे वोट मांगे जाएंगे और उसमें मोदी जी की वीडियो डाल रखी है कि उनके नाम से चीजें यहाँ पे बेटर नजर आती है, तो जो रिजल्ट दोस्तों असेंबली पोल में होंगे जो कि बीजेपी के अगेंस्ट होने वाले हैं तो एग्जैक्टली ऑपोजिट रहेगा लोकसभा के अंदर जो कि मोदी जी के नाम पे होंगे। तो लोकसभा में दोस्तों बीजेपी को से क्लीन स्वीप करते मुझे नजर आ रही है यहाँ पे, इनके नाम पे दोस्तों कुछ होने वाला नहीं है वहां पे, कि अगर हम रमन सिंह के नाम पे वहां पे वोट मांगे या रमन सिंह की परफॉर्मेंस वहां पे वोट मांगे जाएंगे तो दोस्तों बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, बट दोस्तों क्योंकि वहां पे मोदी जी का इन्वॉल्वमेंट है, मोदी जी का टाइप दोस्तों बहुत शानदार चल रहा है दोस्तों, अब 17 नवंबर से जब सूर्य भी चेंज होगा, मंगल भी चेंज होगा, मोदी जी के फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे तो उनके लिए भी चाहिए दोस्तों यहाँ से बेटर होना शुरू करेंगे। और दोस्तों गुरु चंडाल तो खत्म हो ही 30 नवंबर को, तो वहीं से मोदी जी वापस स्ट्राइक बैक करेंगे। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के मैं अगर मुझसे रिजल्ट पूछेंगे असेंबली पोल में कांग्रेस का पलड़ा मुझे बहुत ज्यादा भारी नजर आ रहा है और दोस्तों लोकसभा मुझे दोस्तों बीजेपी वापस से बहुत भारी भरकम मार्जिन के साथ जीतती नजर आ रही है, जैसे उन्होंने पिछली बार 2019-2014 में किया था दोस्तों वही परफॉर्मेंस दोबारा से नजर आ रही है। तो एक और दोस्तों ऐसा राज्य जो असेंबली पोल में बीजेपी के हाथ में आता हुआ नजर नहीं आ रहा तेलंगाना के बाद, मध्य प्रदेश में दोस्तों मैंने बताया था कि बीजेपी का अपर हैंड है, राजस्थान में दोस्तों बीजेपी का अपर हैंड है, मिजोरम का दोस्तों मैंने देखा नहीं आइडिया इसके बारे में। तो अभी और लोकसभा की बात करें दोस्तों यहाँ पे दोस्तों मोदी जी का क्लीन स्वीप होता हुआ नजर आ रहा है लोकसभा, मतलब डॉक्टर रमन सिंह यहाँ भी नहीं आएंगे, मतलब लोकसभा तो मोदी के नाम पर चीजें बहुत ज्यादा बेटर है। चलिए फ्रेंड्स सुमित के वर्ड्स मार्क कर लीजिए, ये कह रहे हैं मोदी जी के चांसेस ज्यादा है, मोदी जी का उनके नाम पे दोस्तों बीजेपी को काफी वोट मिल रहे हैं। बिल्कुल शनि की दशा में ये 2024 लोकसभा के जो चुनाव होंगे तो मोदी जी के चांसेस ज्यादा हाई है, डॉक्टर रमन सिंह के चांसेस कम है। और वैसे और दोस्तों वैसे भी शनि की दशा के बाद दोस्तों धीरे धीरे सही दोस्तों इनके जो पॉलिटिकल करियर दोस्तों तो सब डाउन साइड पे आना शुरू हो जाएगा, शनि ज्यादा पॉजिटिविटी देता नहीं। चलिए फ्रेंड्स हमने आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई कर दिया है, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर फिर भी कोई किसी के क्वेश्चंस रह गए हो तो कमेंट या मैसेज करके पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो किस पॉलिटिशियन या सेलिब्रिटी पे देखना चाहते हैं, क्रिकेटर पे, अब हमें कमेंट करके बताइए, हम वेट कर रहे हैं, कोशिश करेंगे उसे जल्दी से जल्दी बनाने की। तो आज के लिए इतना ही, अब दूसरी वीडियो किस पे, हमारी साप्ताहिक वीडियो पे टाइम होगा। चलिए साप्ताहिक वीडियो पे मिलते हैं, वीकली हॉरोस्कोप पे, तो बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय माता दी फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।